जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के साथ की गई बैठक, समस्याओं की ली गई जानकारी, पुलिस सहित ग्राम स्तर के अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सीमावर्ती जनपदों से संबंधित विकास नीतियों की दी गई जानकारी, अंतर्राज्यीय सीमा के क्षेत्र में की गई पैदल गश्त, पुलिस बैरियर नाका की चेकिंग की गई, पुलिस आयुक्त द्वारा अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ क्षेत्र में ही किया गया रात्रि प्रवास। 26/1/2023 की रात्रि पुलिस आयुक्त प्रयागराज रमेश शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर प्रयागराज के थाना संग्रह क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चुंदवा स्थित पंचायत भवन में जनप्रतिनिधियों, ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों, ग्राम प्रहरी, चौकीदार, स्थानीय लोगों के साथ बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं व सुझावों को जाना गया। बैठक में ग्राम स्तर के अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनके द्वारा लोगों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सीमावर्ती जनपदों के से संबंधित विकास नीतियों से अवगत कराया गया। बैठक में प्रमुख रूप से ब्लॉक प्रमुख शंकरगढ़ श्रीमती निर्मला देवी, अध्यक्ष प्रधान संघ श्रीमती पुष्पराज, पुलिस उपायुक्त दीपक भूकर, सहायक पुलिस आयुक्त 12 संतलाल सरोज, नायब तहसीलदार राकेश कुमार यादव, खंड विकास अधिकारी RB राय, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग रवि प्रकाश आदि उपस्थित रहे। पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस उपायुक्त 12 द्वारा पुलिस बल व स्थानीय लोगों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा वाले क्षेत्र में पैदल गश्त कर सीमावर्ती क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की गई तथा अवांछनीय गतिविधियों के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई। सीमा पर लगे पुलिस बैरियर व नाकों को चेक किया गया। पुलिस आयुक्त द्वारा अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम किया गया। पुलिस विभाग एवं अन्य विभाग के लोगों के द्वारा उनसे बैठक करके उनकी समस्याओं के बारे में जाना गया है और साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उससे सभी को अवगत कराया गया विभिन्न विभाग के अधिकारियों के द्वारा। इसी क्रम में यहाँ पे रात्रि विश्राम मेरे द्वारा, DCP, ACP, अन्य अधिकारियों के द्वारा किया गया और आज प्रातः थाना शंकरगढ़ का निरीक्षण किया गया है आकस्मिक। यहाँ पे जो जनता के व्यक्तियों से बातचीत की गई है उन सभी के द्वारा थाना शंकरगढ़ की पुलिसिंग एवं उनकी कार्यप्रणाली को लेकर संतोष व्यक्त किया गया। यहाँ पे इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के लेके क्या आगामी कार्य योजनाएँ हो सकती हैं, इस उद्देश्य से ये रात में बैठक की गई थी और यहाँ पे सभी अधिकारियों को ब्रीफ किया गया है कि हम लोग इसका फेसलिफ्ट के लिए थाने की और चौकी की हम लोग क्या और कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ जो महिला बीट आरक्षी हैं और बीट के आरक्षी हैं इन लोगों से भी बातचीत की गई है और मिशन शक्ति जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके अंतर्गत और नई ऊर्जा के साथ हम लोग कैसे सभी गांवों को कवर करें और सभी महिलाओं तक जो महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर्स, महिलाओं को जो कानूनी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके बारे में अवगत कराएं, इस संबंध में सभी की ब्रीफिंग की गई, उनके साथ पुष्टि की गई।